सरकार विवादित भूमि निस्तारण के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तमाम सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर भू माफियाओं तथा दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं, जिनको लेकर स्थानीय लोग तथा ग्रामीण लगातार अवैध कब्जे को हटवाने की बात करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है, क्योंकि गाँव में सार्वजनिक रूप से खलिहान तथा खेल के मैदान जैसी चीजों के लिए आवंटित की गई जमीन पर जब दबंगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से समूचे ग्रामीणों को इससे समस्या होने लगती है। जहां पर सार्वजनिक रूप से आवंटित खलिहान की जमीन पर आपराधिक प्रवृत्ति के दबंग व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इस सार्वजनिक जमीन को हुए अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेठी जनपद, जहां पर अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री के द्वारा ई चौपाल लगाकर इन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जन समस्याएं ऐसी हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और यही सब आए दिन विवाद और मारपीट तथा हत्या का कारण बनते हैं। जिले के विकासखंड भादर के अंतर्गत ग्राम सभा गाजीपुर में नामित खालियान गाठा संख्या 294 रकबा हेक्टेयर पर गाजीपुर ग्राम सभा के निवासी राम अवध, उनके पुत्र सुनील और प्रमिल द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण किया गया है। इस प्रकरण पर एसडीएम अमेठी ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। ग्रामीण खेत में उपज अनाज को रखते थे, गांव के बच्चे वहीं छोटे मोटे खेल खेलते थे और विवाह अन्य कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते थे, जिस पर अवैध कब्जे से प्रतिबंध लगाया गया है। कब्जेदार को अगर ग्रामीणों द्वारा कुछ बोला जाता है तो वह अपने घर की लड़कियों को आगे खड़ा कर देता है और वह लड़कियों को गलत आरोपों में फंसाने की धमकी देने लगता है। फिलहाल इस बार जिला अधिकारी महोदय ने शिकायती पत्र को तत्काल संबंधित लेखपाल को देखकर जांच करने की बात कही है। आपका? सर दिनेश कुमार यादव है, किसके लिए आज है? सर हमारे ग्राम सभा की खलिहान है, जमीन है, उस पर अवैध कब्जा हुआ है। हमने 200 दरखास्त डाले हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उस पर इंक्वायरी नहीं, आज तक कोई वहाँ जांच करने भी नहीं गया कि ये सही है गलत है। तो कोई भी जी सर, DM, SDM, CM, थाने, हर जगह दरखास्त डालता हूँ, पर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। पिछले एक साल से डाल रहा हूँ, 200 दरखास्त पड़ चुकी है, पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई आज तक। हम चाहते हैं वो खलिहान है, खलिहान के लिए यूज हो, उसमें कोई घर ना बनाए, और सर उसमें जैसे कोई प्रोग्राम पड़ता है उसमें लोग अपनी बारात वगैरह टिकाते हैं, उसके लिए दिक्कत हो रही है, अब बच्चे खेलते थे उसके लिए दिक्कत हो रही है, खलिहान की मतलब अनाज रखने के लिए उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगर सर उसे दरख्वास्त जो डालता है, अगर उसे पता चल जाता है, सर कोई भी दरख्वास्त डलती है 2 दिन बाद उसे पता चल जाता है कि दरख्वास्त डल गई है, पता नहीं DM बताते हैं, SDM बताते हैं, कौन बताता है, उसे पता चल जाती है, वो घर जाके गाली देता है सबको कि जो है हमारे नाम दरखास्त डली है। अगर कोई मना करने जाए ना तो उसके घर के औरतें जो हैं वो सीधा थाने भगती हैं, कहती हैं मुझे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर सीधा दरखास्त डालती हैं कि हमें छेड़खानी कर रहे थे, उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है। सर कौन है? सर राम अवध, उनके बेटे परमील, सुनील। अभी आप आए थे SDM साहब से मिले? जी सर मिले, हम वीडियो बनाने की कोशिश किए, SDM सर बोले कि नहीं आप बाहर जाओ, बनाने नहीं दिए। जी सर एप्लीकेशन दिए, बोले हैं कार्रवाई करेंगे इस पर। सर इसके पहले कई दरख्वास्त दे दिए हैं SDM सर के पास, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब से आप दे रहे हैं? सर लमसम एक साल हो गए, कम से कम 200 दरख्वास्त हो गई है, पोर्टल ऐप, DM सर के ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।